हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्य फ्रेंड चैनल में। आज हम आपको बताएंगे प्रदीप्ति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रदीप्ति अर्थात इसको इंग्लिश में इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, ये प्रदीप्ति का पार्ट वन भाग है, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पार्ट वन भाग है। यदि पार्ट टू भाग आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर वन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, प्रदीप्ति अर्थात इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, प्रकाशीय तल के इकाई के क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में जोड़ने वाले प्रकाश की दिशा उस तल की इल्यूमिनेशन कहलाता है। इसे ई से दर्शाया जाता है। ई बराबर होता है एफ अपान ए, और इसे हम ई ई ई का मतलब होता है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति इसे लक्स में कहते हैं, और यह बराबर होता है इल्यूमिनेशन फ्लक्स आता है प्रदीप्ति फ्लक्स में, और ये बराबर होता है तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, इसे हम मीटर कैंडेला भी कहते हैं। इल्यूमिनेशन का और सही रंग, सही मात्रा और सही दिशा के आने वाली प्रकाश जो हमारी आंखों के लिए उपयुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे का इल्यूमिनेशन किस पर निर्भर करता है। तो जो कमरे का इल्यूमिनेशन होता है वो छत और दीवार के रंग पर निर्भर करता है। तो जो सी वाला ऑप्शन दिया है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे इल्यूमिनेशन होगा जब खाली स्थान प्रश्न का खाली स्थान होता है। तो अच्छा इल्यूमिनेशन एक समान एवं पर्याप्त तो होता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु कितनी होती है। तो इसकी औसत आयु होती है 3000 आवर। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, इसका 3000 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र कितने रंग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आवश्यक है। तो मानव नेत्र जो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए आवश्यक है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो दिया है, यही इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की मीटरिक इकाई है। तो प्रदीप्ति की जो मीटरिक इकाई होती है लक्स में होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब एक निम्न दाब वाली मरकरी वाष्प लैंप है, जिसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये ई वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो दिया है, यही सही होगा, ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, जलती हुई ट्यूबलाइट की यह स्टार्टर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अगर ट्यूबलाइट जल रही है उस समय उसका स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है, जलती रहेगी। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट ट्यूब की लंबाई निम्न में से होती है। तो 40 वाट की जो ट्यूब की लंबाई होती है वो 1.2 मीटर होती है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु कितनी होती है। तो मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु होती है वो 3000 आवर होती है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, इसका 3000 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, बी दिया है 7800 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम, और सी दिया है 9800 एंगस्ट्रॉम से 11000 एंगस्ट्रॉम, और डी दिया है 11000 एंगस्ट्रॉम से 13800 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही है, इसका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लैंप की दक्षता किसमें मापी जाती है। तो किसी लैंप की दक्षता हम ल्यूमेन वाट में नापते हैं। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन दिया है, ल्यूमेन प्रति वाट। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 वाट लैंप में शक्ति व्यय लगभग होता है। तो जो 0 वाट की जो लैंप होती है उसमें हम 5 वाट तक की शक्ति व्यय कर सकते हैं। तो ये
बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार को अर्थात लोड को स्विच लोड अवस्था में स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण क्या है। तो जब लोड पर स्पार्किंग ऑफ करते हैं तो उसमें से स्पार्किंग उत्पन्न होता है। जब लोड पर हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें से स्पार्किंग उत्पन्न होता है, वो हाई इंडक्टेंस के कारण होता है अर्थात उच्च प्रेरक के कारण होता है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। तो जो विद्युत लाइन में स्विच है वो फेज पर लगाया जाता है अर्थात लाइव वायर पर भी नाम से उसे हम जानते हैं। ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। 16वां क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है अर्थात खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है। तो खुले प्रतिरोध का फ्यूज होता है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग होता है। तो जो मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग होता है वो हरा रंग होता है। तो ये हरा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो 3400 सेल्सियस होता है। तो ये सी वाला हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन दिया है 3400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान लगभग 1500 से 2500 डिग्री तक होता है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन दिया है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोसेंट ट्यूब की प्रचलित होती है। तो ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। ऑप्शन तो बहुत दिया है, एसी भी दिया है डीसी भी दिया है और इनमें से कोई भी नहीं दिया है। तो ये हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरिश्मयी कमरे के लिए आवश्यक इल्यूमिनेशन खाली स्थान होती है। तो ये 50 से 60 लक्स होती है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन भी दिया है 10 से 20 लक्स, सी भी दिया है 100 लक्स और डी भी दिया है 500 लक्स। तो हमारा सही आंसर ए ही वाला होगा। तो ए वाला ही हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिकेटर लैंप के पास खाली स्थान होंगे। तो इंडिकेटर लैंप के पास हमारे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन ही होते हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है इसका, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट का चोक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्यूबलाइट का चोक होता है वो प्रेरकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। और कभी कभी तो ये कंफ्यूज कर देता है, जैसे दिया है ऑप्शन नंबर आयनन, बी है द्विधातुवी, तो सी है धारिता। तो कितने लोग द्विधातुवी का ट्रिक मार देते हैं, जो बहुत गलत है। ये प्रेरकता ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में इल्यूमिनेशन की इकाई है। तो एमकेएस प्रणाली में जो इल्यूमिनेशन की इकाई होती है वो लक्स होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में मार्क किया जाता है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो जो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 100 वाट और 220 वोल्ट के रूप में है। तो ये हम आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 484। आप निकालिए, यदि आपसे नहीं आता है तो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। पहले आप एक बार निकालिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि से छाया पैदा नहीं होती है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था से प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन का हम लगाते हैं, तो 220 × 220 अर्थात वी स्क्वायर अपान पी। तो 220 × 220 अपान 100, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका 484 ओम आएगा। तो 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से
किस लैम्प की पिग्मी लैम्प के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन दिया है, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैम्प, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। 28वां क्वेश्चन है, लाइट हाउस सर्च लाइट एवं सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होता है। जो लाइट हाउस अर्थात सर्च लाइट एवं सिनेमा घरों में जो प्रोजेक्टर प्रयोग होता है वो कौन सा लैंप होता है? तो ये आर्क लैंप होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो इसे दोस्तों जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPMV लैंप के अंदर लनी में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका ऑप्शन है बी, आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन तो दिया है नाइट्रोजन जो अन्य लैंपों के लिए है, और बी दिया है हेलोजन, और डी दिया है हेलियम। तो ये हमारा गलत है, ये बी वाला ही ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर चूड़ीदार इस संपर्क में हमेशा जोड़ना चाहिए, तो ये सर्किट के न्यूट्रल तार में जोड़ना चाहिए। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन तो बहुत दिया है, जैसे सर्किट में फेज तार, और बी है सर्किट के अंदर तार, सर्किट के न्यूट्रल तार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। जी दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक बटन दबाएं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।